नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान बोर्ड आरबीएससी ने बीते शनिवार यानी 24 जुलाई को 12वीं कक्षा की तीनों स्ट्रीम्स का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद अब 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स में भी अपने रिजल्ट को लेकर उत्सुकता और बेचैनी का माहौल है। राजस्थान बोर्ड भी जल्द ही 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। 12वीं क्लास की तरह ये रिजल्ट भी राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स को लगातार बोर्ड की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखने की हिदायत दी गई है। प्रतापगढ़ में सरकारी स्कूल का क्षतिग्रस्त टैंक हाथी के लिए मुसीबत बन गया। विश्राम कराने के लिए माहवार सरकारी स्कूल परिसर में हाथी को लेकर गया। हाथी का पैर टैंक पर पड़ते ही उसका ढक्कन धंस गया। हाथी बुरी तरह से टैंक में फंस गया। मामूली रूप से वो जख्मी भी हो गया। उसके पैर से खून बहने लगा। मामला प्रतापगढ़ जिले के धारियावत क्षेत्र का है। बिलड़िया भड़ावता के स्कूल में हाथी को बचाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। करीब 7 फीट गहरे टैंक में फंसे हाथी को निकालने के लिए कवायद शुरू हुई। लगभग 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हाथी को बाहर निकाला जा सका। टैंक के आसपास खुदाई करनी पड़ी, तब उसे निकाला जा सका। राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग की ओर से सोमवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए। नए मामलों में जयपुर के 5, अलवर के 4 नए मामले शामिल हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर बहस अधूरी रही। अब कल दोपहर बाद इस मामले पर आगे की बहस होगी। बीकानेर जिले में जमीन की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की अनुमति मांग रखी है। इस पर सुनवाई लंबे अरसे से किसी न किसी कारण से टलती आ रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के हाईवे पर मोड़ भट्टा के निकट पेट्रोल पंप संचालक पिता पुत्र से लूट का मामला सामने आया है। दो बदमाशों ने मारपीट की और दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कराई, पर लुटेरों का सुराग नहीं मिला। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर उदयपुर से खाड़ी देशों के साथ पर्यटन वाले देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की मांग की है। सांसद जोशी ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक के लिए विकास के संबंध में चर्चा की। सांसद जोशी ने उदयपुर से खाड़ी देशों के साथ पर्यटन वाले अन्य देशों के लिए नई इंटरनेशनल उड़ानों को शुरू करने की मांग की है। कारगिल में भारतीय सेना की जीत का ऐतिहासिक दिन कारगिल विजय दिवस सोमवार को मनाया गया। इस दौरान जोधपुर सैन्य स्टेशन व गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक परिषद द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं जोधपुर सैन्य स्टेशन में कोणार्क कोर द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। बीकानेर के सियाणा गांव में पेयजल किल्लत से निजात मिलेगा। इसके लिए सोमवार को सियाणा भैरव मंदिर परिसर में नवनिर्मित नलकूप का उद्घाटन किया गया। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने सियाणा भैरव मंदिर में ग्रामीण जल योजना के तहत 16,23,000 रुपए की लागत से बने नलकूप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। जगह जगह ट्यूबवेल और हैंडपंप स्वीकृत किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पेयजल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। करीब 70 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामले में जयपुर की विश्वकर्मा थाना पुलिस ने जोधपुर में प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले वीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। वो पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने 7 दिन तक कैंप कर आरोपी को पकड़ा, अब यहां से जयपुर ले गए। बीकानेर में RUIDP की गंगा शहर सीवरेज परियोजना के तहत अब घर घर सीवर कनेक्शन का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत 42,626 घरों में सीवर कनेक्शन होंगे। गंगा शहर भीनासर, सुजान देसर, किस्मी देसर, चौधरी कॉलोनी, श्रीरामसर, गोपेश्वर बस्ती, चोपड़ाबाड़ी, सुथारों की गुवाड़ आदि क्षेत्रों की करीब 1,61,000 की जनसंख्या इस परियोजना से लाभान्वित होगी। राजस्थानी फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान सोमवार को जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय जाकर मुलाकात की। धीरज श्रीवास्तव ने जिला कलेक्टर से शहर के विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। साथ ही जोधपुर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी आवश्यक चर्चा की, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है।
बीकानेर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्मिक आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों को समय पर पेंशन नहीं मिलने और सेवारत कार्मिकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से रोष है। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश भर में दोपहर 1 से 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किए। बीकानेर में केंद्रीय बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण में घर घर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सोमवार को सामूहिक रूप से हड़ताल कर दी। ये कर्मचारी नागौरी गेट अग्निशमन केंद्र परिसर स्थित नगर निगम ऑफिस में एकत्रित हुए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार समर्पण PF व ESI का भुगतान नहीं करता है। बीकानेर में भीनासर स्थित मुरली मनोहर धोरा परिसर में सेवा संस्थान के सघन पौधारोपण अभियान की शुरुआत सोमवार को ऊर्जा मंत्री डॉ. BD कल्ला और जिला कलेक्टर नवित मेहता ने की। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुरली मनोहर धोरा स्वामी राम सुखदास महाराज की तपोभूमि है। ये जन जन की आस्था का केंद्र है। सेवा संस्थान द्वारा यहाँ पौधारोपण और इनकी देखभाल का बीड़ा उठाना सराहनीय है। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक जोधपुर लंबे समय से कर्मचारियों की वाजिब मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर सोमवार को धरना देकर प्रदर्शन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।